In the previous video, we talked about the asexual reproduction in detail. Basically, the asexual reproduction in higher plants was of three types. First was agamoespermy. Second one was the vegetative propagation. And third was micropropagation. We discuss the first one, that is agamoespermy. Today we will discuss about the vegetative propagation. So let's start with the vegetative propagation. Vegetative propagation or reproduction, we can say. Normally, vegetative reproduction or vegetative propagation is a process of asexual reproduction by which a new plant is formed from any part of the plant. जब पौधे के किसी भी भाग से कोई नया पौधा बन जाता है तो उसे हम vegetative propagation कहते हैं. For example, sugar cane, banana, pineapple. So we can write it is a process by which a new plant is formed from any part of the parent plant. The second most important thing is flowering. Is absent. ऐसे पौधों में पुष्पन या फ्लावरिंग नहीं होती है. For example, banana, sugar cane, pineapple, etc. Vegetative propagation को डिटेल में पढ़ने से पहले यह समझ लें कि vegetative propagation को दो तरह से पढ़ा जा सकता है. There are two methods by which the vegetative propagation can be studied. The first one is natural vegetative propagation. Natural vegetative propagation को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स मिलते हैं. द फर्स्ट वन इज बाय स्टेम, सेकेंड बाय रूट्स एंड थर्ड बाय leaves. If you talk about by stem, there are many types. We can simplify it in a tricky formula. Before that, hum dekhen ki kya kya types ho sakte hain. First, main ise aisa likhta hun. Pehla jo hota hai, wo hota hai रनर. रनर में जब भी हम बात करते हैं तो इसका जो एग्जाम्पल होता है उसे बोलते हैं डूब ग्रास. डूब ग्रासेस, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है. ये कोई लेट्स से पौधा है जो कि रूट्स हैं और ये कोई पौधा है. जब इस स्टेम से यहाँ पे ऐसे नोड्स पाए जाते हैं और ये नोड्स जब भी कभी अटैच्ड होता है सोयल से, लाइक दिस सोयल पे अटैच होता है तो यहाँ पे एक नए
पौधे का फॉर्मेशन हो जाता है बाय फॉर्मिंग द एडवेंटिशियस रूट्स. तो लैटरल ब्रांचेस निकलते हैं जिसकी वजह से एक नया पौधा बन जाता है. जो दूसरा टाइप है राइजोम, इसका एग्जांपल आता है जिंजर एंड बनाना. जिंजर एंड बनाना, अगर जिंजर को आप देखें तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स पाए जाते हैं जिसे हम नोड्स भी कहते हैं. और इसी नोड से एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हैं और फिर नए पौधे का जनरेशन हो जाता है. जो थर्ड है वो है कॉर्म. इसका एग्जाम्पल है कोलोकेशिया एंड एलोकेशिया. ये भी अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं जिसमें कि बर्ड्स और एडवेंटिशियस रूट्स का फॉर्मेशन होता है, फिर उससे एक नए पौधे का या नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है. फोर्थ है बल्ब, और बल्ब का एग्जाम्पल है अनियन, गार्लिक. द नेक्स्ट कैटेगरी इज और द नेक्स्ट टाइप इज ट्यूबर. इसका एग्जाम्पल है पोटैटो. और जो सिक्स कैटेगरी है या सिक्स टाइप है उसे हम बोलते हैं ऑफसेट. ऑफसेट की अगर बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है उसे बोलते हैं ई कॉर्निया. ई कॉर्निया का जब पौधा हम देखते हैं, बेसिकली दीज आर फाउंड इन द एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स में ये ज़्यादातर पाया जाता है, उसके ब्रांचेस से निकलते हैं. कुछ इस टाइप से होता है. लेट से कोई यहाँ पे कोई पौधा है और इसके रूट्स जो है वो पानी में है और ये कुछ पौधा लगा हुआ है. इसी के लैटरल ब्रांचेस होते हैं और ये लैटरल ब्रांचेस से एक नया पौधा का फॉर्मेशन हो जाता है. इस तरह से ई कॉर्निया या इसे जल कुंभी भी कहा जाता है. हेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ई कॉर्निया इज ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल. जो नेक्स्ट है उसे बोलते हैं सकर. इसका एग्जाम्पल है बैम्बू, बनाना. और लास्ट है इसमें स्टॉल. इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी. इसमें भी जो स्टेम्स होते हैं वो लैटरल ब्रांचेस निकलते हैं, उस लैटरल ब्रांचेस से नए पौधे का फॉर्मेशन होता है बाय फॉर्मिंग द एडवेंटिशियस रूट्स. अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये 7-8 को याद करने का तरीका या रिमेम्बरिंग का तरीका क्या हो सकता है. सो एक ट्रिकी है, एक जस्ट याद रखने का तरीका है रनर. सो वी कैन रन इट, से इट लाइक राजस्थान रॉयल्स चोज बैटिंग आफ्टर टॉस. आफ्टर टॉस TOSS. आफ्टर टॉस राजस्थान रॉयल्स चोज बैटिंग. This is the tricky formula. You can remember it. Runner, rhizome, comb, bulb, tuber, offset, suckers, and stolon. Now the next category is, or you can say, the second one, by roots. By roots, इसके जो example हैं
दल बर्गिया सिसु, इसे हम शीशम भी कहते हैं। और लास्ट कैटेगरी है या लास्ट टाइप है बाई लीव्स, इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया। अगर इसका लीव्स के स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप से मिलते हैं, ऐसे छोटे छोटे नॉड्स पाए जाते हैं या इसे बर्ड्स बोलते हैं, इसको फोलियर बर्ड्स भी कहा जाता है। जब भी ये बर्ड्स इससे डिटैच होता है लीव है और सॉइल के कॉन्टैक्ट में आता है, फिर से नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये कुल मिला के हमारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन था। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज बेसिकली कैन बी स्टडीड बाय द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेयर द वेजिटेटिव नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज ऑफ थ्री टाइप्स और बाय थ्री मेथड्स वी कैन स्टडी, बाय स्टेम, बाय रूट्स एंड बाय लीव्स। बाय रूट्स के एग्जाम्पल्स यानी रनर, राइजोम, कॉम, बल्ब, ट्यूबर, ऑफसेट, सकर, स्टोलन को हम पढ़ सकते हैं। दूसरा है बाय रूट्स, जो आप एग्जाम्पल्स देख चुके हैं यहाँ पे। इस तरह से जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हैज़ बीन डन इन डिटेल बाय द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।